हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले आज हम ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आपने पढ़ रखा है। ग्रुप थ्योरी पूरी बुक है, उसके सारे चीज़ें आपने पढ़ रखी है। एक सेट है और एक ऑपरेशन है, तो ये ग्रुप बनाएगा या अबेलियन ग्रुप बनाएगा। पहले ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो रूल्स देखते हैं कि जी के अवयव संक्रिय स्टार के लिए क्लोज हों। इसको मैथमेटिकली देखें तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी बिलोंग्स टू जी, फोर ए और बी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी, इसका दोनों को ऑपरेट कराने पर जो मान आता है वो किन में बिलोंग करना चाहिए, आपका जी में बिलोंग करना चाहिए। क्लोज होने की ये परिभाषा है कि कोई भी संक्रिया किसी सेट में क्लोज है या नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए कि उनके कोई भी दो एलिमेंट ले लें आप जी का, तो उनको ऑपरेशन करने पर जो मान आता है वो आपका किसमें रहना चाहिए, जी में रहना चाहिए। वो मान किसमें आना चाहिए, जी में ही आना चाहिए। जैसे आप देखें एग्जाम्पल हमने रखा है 0 1 2 4 जीरो एक बार, उसके दो एलिमेंट का जो कराने पर है, देखें ये क्या नियम होता है कि ए बी सी तीन एलिमेंट ले लें आप जी का, तो क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए बी स्टार सी के। संक्रिया को आगे पीछे लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब पहले दो को कर लें और फिर तीसरे से कराएं मान, और दूसरी बार में पहले लास्ट वाले दो को कर लें और फिर पहले से ऑपरेशन कराने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीसरा है हमारा स्टार के लिए, जो संक्रिया स्टार है हमारी, के लिए जी में तत्समक अवयव हो, जी में तत्समक अवयव उपस्थित हो। यदि स्टार के लिए जी में तत्समक अवयव है और वो जी में ही उपस्थित होना चाहिए, मींस ई बिलोंग्स टू जी क्या होना चाहिए, वेन एवर ए स्टार ई किसके बराबर हो, आपका ए के बराबर हो। और फिर चौथी प्रॉपर्टी है कि स्टार के लिए जी में प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम उपस्थित हो, इनवर्स उपस्थित हो। तो फोर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी किसके बराबर आ जाए, इनवर्स कब होगा, उनका मान ई के बराबर आ जाए। तो और ये चारों चीज़ें यदि लागू होती है तो हम इसे ग्रुप कहते हैं,
और यदि ये पांच चीजें और लागू हो जाए, पांचवी बात और लागू हो जाए तो हम इसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। क्या है कि जी के अवयव संक्रिया स्टार में संक्रिया स्टार के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें, मीन्स ए स्टार बी बराबर क्या हो, बी स्टार ए हो। तो वन से फाइव तक यदि प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम इसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं, वन से फोर तक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम इसे ग्रुप कहते हैं, वन से थ्री तक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम इसे मोनोइड कहते हैं, वन से टू तक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम इसे सेमी ग्रुप कहते हैं, और पहली प्रॉपर्टी यदि होल्ड हो केवल तो हम इसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर गणितीय संरचना। यदि एक प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो हम इसे गणितीय संरचना कहेंगे, यदि हमारे पास एक से दो प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, पहली और दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड होती हो किसी जी और स्टार के लिए तो हम उसे सेमी ग्रुप कहते हैं, यदि किसी जी और किसी ग्रुप सेट और संक्रिया के लिए पहली तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, पहली दूसरी तीसरी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो तो हम इसे मोनोइड कहते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी चार प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो हम इसे ग्रुप कहते हैं, और पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो हम उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, अबेलियन ग्रुप कहीं आए तो हमारे पास ये पांच प्रॉपर्टी आनी चाहिए, यदि ग्रुप आए तो हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी आनी चाहिए, मोनोइड आए तो उस सेट और संक्रिया के लिए पहली तीन प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, सेमी ग्रुप हो तो पहली दो प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, और गणितीय संरचना केवल एक प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो हम उसे क्या कहते हैं, गणितीय संरचना कहते हैं। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान में होना चाहिए कि ये होता क्या है। फिर अब हम बात करते हैं रिंग की, रिंग थ्योरी की जो पहली डेफिनेशन है आपकी वो रिंग है। इस रिंग का जो सेट है उसको हम प्राय R से डिनोट कर लेते हैं, और दो ऑपरेशन यहां पर होते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, दो ऑपरेशन यहां पर होते हैं उनको इस तरह से कोमा लगा कर लिखते हैं तो ये रिंग बनता है। पहले ऑपरेशन को हम एडिटिव बोलते हैं, एडिटिव ऑपरेशन, दूसरे ऑपरेशन को हम मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन बोलते हैं। दूसरे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन बोलते हैं। ये हमारा एक सेट है, एक सेट में दो ऑपरेशन यदि लागू हो रहे हों, मतलब उसके साथ दिए हुए हों और कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करें तो हम उसे रिंग कहेंगे। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। यहां पर ऑपरेशन कोई भी हो सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन का नॉमेनक्लेचर यदि वो पहला ऑपरेशन है तो एडिटिव कहलाएगा, एडिटिव ऑपरेशन कहलाएगा, और दूसरा ऑपरेशन है तो वो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि आपके पास यहां पे आर इंटरसेक्शन, दो सेट का इंटरसेक्शन और यूनियन, ये हमारे पास ऑपरेशन है, तो ये जो पहला ऑपरेशन है मेरा वो एडिटिव है तो इसको हम एडिटिव ऑपरेशन कहूंगा, और ये दूसरा ऑपरेशन जो मेरा यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव है तो जो ये वाला है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन का ऑपरेशन।
कौन है, जीरो होगा, इस रिंग इज ए रिंग एंड जीरो इज जीरो, जीरो इज जीरो। और प्रत्येक अवयव का इन्वर्स है क्या आप देख सकते हैं, इसमें इन्वर्स कैसे देखते हैं, एडिटिव इन्वर्स हम देखेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो खुद ही इन्वर्स है, और वन का इन्वर्स कौन है, फोर है, टू का इन्वर्स कौन है, थ्री है, थ्री का इन्वर्स कौन है, टू है, और फोर का एडिटिव इन्वर्स कौन है, वन है। ये इन्वर्स हैं, लेकिन क्या शब्द के नाम से जाने जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स, पहले ऑपरेशन के हैं इसलिए एडिटिव इन्वर्स। फोर का एडिटिव इन्वर्स वन है, थ्री का एडिटिव इन्वर्स टू है, टू का एडिटिव इन्वर्स थ्री है, और वन का एडिटिव इन्वर्स फोर है। ये इन्वर्स देखने की प्रक्रिया है, आप जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हो वहाँ चले जाएं और एक दूसरे के अपोजिट देख लें, रो ऊपर की टेबल में और बाहर आउटसाइड के टेबल में। तो ये वन और फोर कहाँ देखना है आपको, तत्समक अवयव पर देखना है, जीरो पर देखना है। और इन्वर्स हैं सभी के, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव होल्ड होता है, तो ये आर प्लस अबेलियन ग्रुप है। फिर सेमी ग्रुप है क्या, केवल दो प्रॉपर्टी देखनी है आपको सेमी ग्रुप के लिए, क्लोज है क्या, हाँ ये क्लोज है, इससे प्राप्त सारणी में अवयव कोई नया नहीं है इसलिए क्लोज है, और नंबर सिस्टम में सहचर्य नियम लागू होता है गुणा के लिए भी और प्लस के लिए भी, तो ये सेमी ग्रुप को होल्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब जब कभी जरूरत पड़ेगी, अब भी तो यहाँ रिंग में तो जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसकी यूनिटी कौन है, वन है, इसका तस्मक अवयव कौन है, वन है आपका, है ना, वन को वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर से मैच हो रहा है, तो ये जो सामने वाला एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, वन कहलाता है हमारा, यूनिटी कहलाती है। तो ये हमने देखा है कि रिंग किसे कहते हैं, और उसको एग्जांपल से समझें तो क्या करें, इसको डिटेल में एक दो एग्जांपल और लेंगे आगे के वीडियो में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।